अब हम पूज्य श्री धर्म धुरंधर 1008 हमारे स्वामीनारायण परंपरा का मूला आचार्य पूज्य श्री धर्म प्रकाश स्वामी जी महाराज से अनुरोध करेंगे कि वे अपनी प्रेम सूक्ति वर्ष के द्वारा इस जनता को पावन बनाए। परमादरणीय श्री 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 त्रिदंडी चिन्ह श्रीमन नारायण रामानुज जी और स्वामी जी के तत्वावधान में आयोजित समता कुंभ 2024 के इस पवित्र अवसर पर आज खास तौर पर स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी और 108 दिव्य देशों के दर्शन और जल लीला निराजन का दर्शन, पवित्र यज्ञशाला का दर्शन हमें हमारे आदरणीय स्वामी जी के कारण आज हुआ है। इसके लिए हम आज बड़े प्रसन्न हैं और बहुत ही आनंदित हैं। खास इनका आग्रह था कि हमारे यहाँ समता कुंभ का आयोजन हुआ है, आप आए। हम पिछले वर्ष भी आए थे रामेश्वर जी, मगर यहाँ बड़ा उत्सव चल रहा था तो हमने स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी श्री रामानुजाचार्य जी के दर्शन किए, यहाँ की भव्यता का वर्णन सुना और फिर हम गए। तो जब बाद में गत वर्ष दिवाली के पश्चात हमारे यहाँ सालंगपुर में श्री हनुमान जी महाराज का उत्सव था, वहाँ स्वामी जी पधारे थे, तब बात हुई तो उन्होंने दिल से कहा कि हमें ये सुनकर बड़ा कष्ट हुआ। हमने कहा नहीं नहीं ये सहज है, आपका उत्सव था, हमको विवेक स्वामी जी ने कहा जाना हो तो जा सकते हैं। हमने कहा ना, वो व्यस्त होंगे, हम बाहर से ही दर्शन करेंगे। लेकिन इनका प्रेम, आप सबका प्रेम, उसके कारण आज हम फिर पुनः इस स्थान में उपस्थित हुए हैं, तो हम भगवान का बहुत बहुत आभार मानते हैं। आज मेरे जीवन में मैं शाम को चलता हूं, लेकिन मेरी लाइफ की आज मुझे लगता है सबसे बेस्ट वॉक अगर कहीं हुई है तो 108 दिव्य देश के दर्शन से हुई। मैं बहुत आनंद आया। यहाँ की परंपरा, रीत रिवाज, केवल परमात्मा को केंद्र में रखने की बात, ये सब देखकर बहुत खुशी हुई है। हमारे साथ हमारा जो वड़ताल मंदिर, जो मुख्य मंदिर है स्वामीनारायण संप्रदाय का, वो केंद्र स्थान है, जिसके तहत कई सारे मंदिर देश में और विदेश में हैं। उनके हमारे वहीवटीय श्री चेयरमैन देवस्वामी जी भी आए हैं, मुख्य कोठारी संत स्वामी जी भी आए हैं, और अभी अभी जिन्होंने वक्तव्य दिया ऐसे विद्वान शास्त्री स्वामी भक्ति स्वामी जी आए हैं। स्थानिक हैदराबाद श्री स्वामीनारायण गुरुकुल के हमारे सुख स्वामी कृष्णचरण स्वामी आए हैं, और हम जहाँ पे ठहरे हैं वैसे नीलकंठ विद्यापीठ से श्री विवेक स्वामी आदि लोग आए हैं। हम लोग आए थे, हम लोग तो ये सोच के आए थे कि वहाँ सभा में जाएंगे, गोष्ठी वगैरह होगी, लेकिन एक सुखद अनुभव ये हुआ कि यहाँ पे आकर खास करके विष्णु जी और आपके जो जियर स्वामी जी हैं अहिबोल अहोबिल जी ने हमको दर्शन कराया, सूक्ष्म से सूक्ष्म हमको डिटेल दिया, बड़ी प्रसन्नता हुई। उसके पश्चात जब आज यहाँ पे आए हैं ये दर्शन करके, बहुत ही अपने आप को हम आज ऐसा मानते हैं कि भगवान की कृपा हो तो ही ऐसे दर्शन की प्राप्ति होती है। तो आप सभी लोग बहुत भाग्यशाली हैं, आपको ऐसे गुरु मिले हैं जो बहुत ही अपनी मृदु भाषा से, विनम्रता से, एक बहुत बड़े धर्माचार्य का जो लक्षण होता है वो सहज होता है, सरल होता है, निराभिमानी होता है, अपने शिष्य वर्ग को अपने बच्चों की भांति उनको शिक्षा देता है, सही मार्ग पर ले जाता है, प्राचीन परंपराओं का जतन करता है। और श्री रामानुजाचार्य जी का जो मत है वो आज 1000 वर्ष के पश्चात इतनी जोर शोर से अगर जिन्होंने प्रतिपादित किया है वो है हमारे आदरणीय श्री जियर स्वामी जी। अब आने वाले सदियों तक इस स्थान के माध्यम से श्रीमद् भगवत पूज्यपाद ऐसे रामानुजाचार्य जी का जो मत है वो प्रस्थापित होगा। हमारे भगवान स्वामीनारायण ने भी जो वचनामृत कहे हैं उसके अंदर वड़ताल में एक 18 नंबर का वचनामृत बहुत ही इंटरेस्टिंग, सबको समझने वाला है। उसमें भगवान स्वामीनारायण ने कहा कि हमारे आश्रितों को 5 चीजें अवश्य जाननी, उसमें पहली गुरु परंपरा।
तो हमारी गुरु परंपरा क्या है? तो स्वामीनारायण भगवान अपने आश्रितों को बोलते हैं कि आप सबका गुरु मैं, और मेरे गुरु श्री रामानंद स्वामी, और रामानंद स्वामी ने श्री रंग क्षेत्र में स्वप्न में भागवती दीक्षा अगर किसी से प्राप्त की है तो वो है श्री रामानुजाचार्य जी। तो ये हमारी परंपरा है। और स्वामीनारायण भगवान ने आगे चलते हुए कहा कि हमने ये परंपरा हमारे धर्म कुल में, क्योंकि हमारे स्वामीनारायण भगवान के पिताजी का नाम हरिप्रसाद पांडे है, लेकिन उनको श्री धर्मदेव के नाम से लोग जानते हैं, तो धर्मदेव के वंश में जो भी जन्मा है वो इस गद्दी का वारिस होगा, तो हमने धर्म कुल में इस आचार्य पद का स्थापन किया है। तो ये हमारी एक परंपरा है। तो रामानुजाचार्य का संप्रदाय, स्वामीनारायण संप्रदाय, जैसा कि भक्ति स्वामी जी ने कहा, वो एक ही है तत्वतः। तो अंतोगत आज बहुत आनंद आया है, मैं भगवान के चरण में प्रार्थना करता हूँ, और हमारे स्वामी जी ने भी कहा उस तरह से, खास करके दिवाली के पश्चात आने वाले कार्तिकी समैया में, कार्तिकी का जो महीना है उसमें कार्तिक सुदी द्वादशी के दिन भगवान स्वामीनारायण ने वड़ताल में नव शिखर का मंदिर है उसमें आज से 199 वर्ष पूर्व कार्तिक सुदी द्वादशी के दिन भगवान स्वामीनारायण ने अपने स्वयं हाथों से श्री लक्ष्मी नारायण देव, श्री राधा कृष्ण देव, अपने माता पिता की मूर्ति, और पूरे विश्व में अपने भक्तों को सुख देने के लिए अपना स्वरूप अगर किसी जगह पे इंस्टॉल किया तो वो वड़ताल धाम में श्री हरि कृष्ण महाराज के रूप में किया है। इन सारे स्वरूपों को 200 वर्ष पूरे हो रहे हैं। तो हमारा पूरा जो दक्षिण देश है, क्योंकि भगवान स्वामीनारायण ने दो गद्दी स्थापित की है, पूरे भारतवर्ष के नक्शे को दो भाग में विभाजित किया है, उधर पूर्व में कलकत्ता और पश्चिम में द्वारका, एक काल्पनिक रेखा खींचकर भारत को दो भाग में विभाजित किया, उत्तर और दक्षिण। उत्तर गद्दी का हेडक्वार्टर है अहमदाबाद, क्योंकि स्वामीनारायण भगवान ने अपने हाथों से 6 मंदिरों का निर्माण कराया था, जिसमें से 2 मंदिर अहमदाबाद और भुज, ये उत्तर गद्दी में आते हैं, और वड़ताल गद्दी में वड़ताल इट्सेल्फ, देन धौलेरा, वहाँ पे श्री मदन मोहन जी महाराज हैं, देन जूनागढ़, वहाँ पे श्री राधा रमण देव हैं, और गढ़पुर, उसमें गोपीनाथ जी महाराज हैं। ये चारों मंदिर हमारे वड़ताल गद्दी के नीचे आते हैं, उसमें वड़ताल मंदिर का 200 वर्ष का उत्सव है। मैं भी आपको बहुत हृदय से आमंत्रित करता हूँ, क्योंकि मैं स्वामी जी को जिस तरह से देख रहा हूँ, ये मूल परंपरा के ऊपर जबरदस्त बल देते हैं, ये किसी मिलावट में नहीं मानते हैं, ये भगवान की भक्ति करो तो शुद्ध रूप से करो, उपासना करो तो शुद्ध रूप से करो, हमारी जो प्राचीन परंपरा है उसमें जरा सा भी मिलावट के बगैर भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना, यही बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा होती है। तो आप श्री वहां पधारें, ऐसा हमारा हृदय से आपको आमंत्रण है। वक्त आने पर विस्तृत बातें होंगी। अंत में हमारी भगवान के चरण में प्रार्थना है, भगवान की कृपा से ये सब होता है। इन्होंने खुद कहा कि जब गुरुदेव का शताब्दी वर्ष उत्सव हुआ, उसके पश्चात मन में ऐसी भावना थी कि रामानुजाचार्य जी का एक बहुत बड़ा स्टेच्यू पूरे भारतवर्ष में हो, वो भी सिटिंग स्टेच्यू। धीरे 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 कल्पनाएं साकार होती गईं, और बगल में रामेश्वर जी बैठे हैं, इनके हृदय कमल में भी भगवान ने प्रेरणा की। भगवान धनवान हैं, सुखी हैं, अपने धन का सदुपयोग इन्होंने किया है, परमेश्वर की कृपा होती है रामेश्वर जी, तभी यह संभव होता है। लिखा है शास्त्र के अंदर, अगर किसी व्यक्ति के पास पूरे आकाश में समाये उतना धन हो और लेकिन वो परमार्थ के लिए अगर खर्च नहीं करता है तो न तो उसको इस सुख में, लोक में सुख मिलता है, न परलोक में सुख मिलता है। वो तो ईश्वर की कृपा जिसके ऊपर होती है ना, उसका धन परमात्मा स्वीकार करते हैं। तो आपने बहुत ही उम्दा भावना से जमीन दिया, यहाँ पे ये कार्य धीरे धीरे संभव हुआ। मुझे पूरा मैंने टूर लिया तो मैं ये समझता हूँ कि आपके हृदय में श्री रामानुजाचार्य जी परमात्मा के जो सारे स्वरूप हैं, इन स्वरूपों ने आपको ये एक मार्गदर्शन दिया और इतना अच्छा संकुल खड़ा हुआ। मुझे लगता है पूरे भारतवर्ष के गौरव का ये बहुत बड़ा संकुल है, स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी, जो समानता का संदेश है पूरे संसार में। अगर समानता का संदेश किसी ने प्रवाहित किया है तो वो है हमारे भगवत श्री रामानुजाचार्य जी। और समानता क्या है? व्यक्ति व्यक्ति के प्रति मानवता का धर्म श्रेष्ठ धर्म है, न किसी से भेद, न किसी से भाव, गांव गांव के प्रति, शहर शहर के प्रति, नगर नगर के प्रति, जाति जाति के प्रति समानता का जो सिद्धांत और संदेश है श्री रामानुजाचार्य जी ने दिया है वो सर्वश्रेष्ठ है। और इस स्थान से वो समानता का संदेश पूरे विश्व भर में प्रसारित होता रहे, ऐसी भी हमारी भगवान के चरणों में प्रार्थना है। अंत में समय बहुत हो चला है, हमारे सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, आप लोग भी दर्शन के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो कुल मिला के हमारी भगवान के चरण में यही प्रार्थना,
ईश्वर की कृपा आप सर्व पर हमेशा बनी रहे और आप सभी लोग इसी प्रकार से सुंदर कार्य करते रहें और हमारे आदरणीय परम आदरणीय श्री चिन्ह जीयर स्वामी जी के माध्यम से इस संकुल के द्वारा बहुत सारे आध्यात्मिक कार्यक्रम होते रहे ऐसी भगवान के चरण में प्रार्थना अस्तु। पुनः आप सभी को जय श्रीमन्नारायण। आज आज